सूरह बकरा दूसरे पारा पाँचवें रुके में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, लैसल बिर्रा अन तुवल्लू वुजूहकुम क़िबला अल-मशरिक़ वल-मग़रिब, नेकी यह नहीं है कि तुम चेहरा कर लो पूरब या पश्चिम की तरफ, वलाकिन्नल बिर्रा मन आमन बिल्लाह वल यौमिल आखिर, मगर नेकी है कि तुम अल्लाह को मान लो, अल्लाह को दिल से मान लो, वल यौमिल आखिर और क़यामत के दिन को, वक़ामत सलात और नमाज कायम रखो, वआतुस ज़कात और ज़कात दो, वल्मूफ़ूना बिअहद इज़ा आहदू और वादा पूरा करो, वादा कर लो, वस्साबिरीन फ़िल बासा वद्दर्रा और परेशानी में और आसानी में सब्र करने वाले हो, वहीनल बास और मुसीबत के वक्त, और थोड़ा सा छूट गया, वाता माल ज़वील-क़ुरबा और अल्लाह की मोहब्बत में अपना माल दो, ज़वील-क़ुरबा रिश्तेदारों को, यतामा यतीमों को, और मसाकीन और मिस्कीनों को, व अपने सबील और मुसाफिरों को, वसाइरीन और मांगने वाले भिखारियों को, वो फिर रिखाब कैदी को छुड़ाने के लिए, तो अल्लाह ताला ने एक ही आयत है, एक ही आयत में छह बातें फरमाई हैं कि नेकी ये नहीं कि तुम चेहरा पूरब या पश्चिम की तरफ करते हो, तो पूरब पश्चिम तो हम लोग तो करते नहीं भाई, हम लोग तो पश्चिम की तरफ करते हैं, जब भी नमाज पढ़ते हैं भारत के लोग, हम लोग चेहरा पश्चिम की तरफ करते हैं, तो पूरब पश्चिम कब होगा, जब हम लोग काबा में नमाज पढ़ेंगे तब पूरब पश्चिम हो जाएगा, किसी का चेहरा पूरब की तरफ होगा, किसी का पश्चिम की तरफ, किसी का उत्तर की तरफ, किसी का दक्षिण की तरफ, हर डायरेक्शन की तरफ हो जाएगा। एक ही बंदा अगर काबे में नमाज पढ़ रहा हो, अगर जोहर की पढ़ा इस तरफ से तो पश्चिम काबा उसका हो जाएगा, तो चेहरा होगा पश्चिम की तरफ, और असर पड़ गया उधर जाकर के पश्चिम की तरफ या मकाम इब्राहिम है तो पूरब की तरफ चेहरा हो जाएगा। ऐसी अलग अलग वक्तों में अगर अलग अलग डायरेक्शन में चला जाता है तो उसका चेहरा खुद ही एक ही आदमी का चेहरा चारों तरफ हो रहा है। यहाँ अल्लाह ताला ने जब बयान फरमाया है उसका मकसद ये है कि यहूदी और नसरानी यानी क्रिश्चन और जैनिश ये दोनों कम्युनिटी हैं, नसरानी क्रिश्चन नमाज पढ़ते थे पूरब की तरफ चेहरा करके और यहूदी पढ़ते थे पश्चिम की तरफ चेहरा करके। तो क्रिश्चन लोगों ने कहा कि सिर्फ हमारी नमाज हो रही है, तुम्हारी नमाज नहीं होती, इसलिए तुम पश्चिम की तरफ कर देते हो, हमारी तरफ नहीं करते। और यहूदी जो जैनिश थे वो लोग कहते थे कि नहीं नहीं हमारी नमाज तुम्हारी नहीं हो रही। ठीक है, दोनों एक दूसरे पर कमेंट करते थे, क्रिश्चन दोनों अल्लाह का दीन, दोनों अल्लाह ही का दीन, क्रिश्चन ईसा अलैहि सलाम अल्लाह का पैगंबर और यहूदी मूसा अलैहि सलाम को मानने वाले कहते हैं वो भी अल्लाह के रसूल, दोनों अल्लाह के रसूल, दोनों के जो मानने वाले हैं। अल्लाह अलग अलग वक्तों में अल्लाह ताला ने फरमाया एक कौम को इधर नमाज पढ़ो, दूसरे को कहते इधर नमाज पढ़ो, इधर मुंह करके एक को करे इधर मुंह करके। तो नमाज जिधर अल्लाह ने फरमाया नमाज पढ़ने के लिए, अब देखिए जैसे मुसलमान हुए हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो आपको अल्लाह ताला ने नमाज पढ़ने के लिए फरमाया कि काबे की तरफ नमाज पढ़े, फिर कुछ दिन के बाद आपको फरमाया कि बैतुल मुक़द्दस की तरफ नमाज पढ़ी, तो बैतुल मुक़द्दस अलग डायरेक्शन में चला गया। तो मदीने में जो यहूदी जैश लोग थे वो लोग कमेंट करने लगे कि देखो ये नए नबी हैं, कहते हैं कि हम नबी हैं, तो इनका दीन अलग है, मज़हब अलग है, और ये नमाज़ पढ़ते हैं हमारे काबा की तरफ, तो इनका अलग कोई काबा नहीं मिला, तो अगर इनका अलग मज़हब है तो काबा किबला भी अलग होना चाहिए था, ये हमारी तरफ पढ़ते हैं नमाज जिसे हम लोग पढ़ते हैं। यहूदी लोग कमेंट करने लगे, ये कमेंट नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब खबर मालूम हुई और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत तकलीफ हुई, और सल्लम दिल ही दिल में चाह रहे थे कि अल्लाह ताला हुक्म दे देता तो हम लोग कहीं और कुछ बदल जाते अपने, और ये तो कमेंट करने लगे हैं।
एक वक्त आप नमाज पढ़ ही देगा असर की, उतनी ही में हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आयत लेकर उतर गए, जो दूसरे पारे की आयत है, قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنت فول وجهكم شطرا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھانا دیکھ رہے ہیں کہ بار بار آپ آسمان کی طرف چہرہ اٹھا رہے ہیں، تو ہم آپ کا قبلہ بدل دیں گے جدھر آپ کی مرضی ہوگی، مگر ابھی آپ کعبہ کی طرف کر لیجیے، ابھی چہرہ آپ کعبہ کی طرف کر لیجیے، تو کمنٹس کم بچ جائیں گے آپ. اور اے مسلمان، تم جہاں کہیں بھی ہو تم بھی اپنا چہرہ کعبہ کی طرف کر دو. تو صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت ہی میں گھوم گئے، جب آپ گھوم گئے تو جو پیچھے نمازی تھے وہ لوگ گھوم گئے کعبہ کی طرف، تو وہاں سے پڑھتے تھے پچھم کی طرف ہو رہا تھا، اور آپ پڑھنے لگے وہاں سے مدینے سے پڑھ گئے دکھن کی طرف. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا قرآن شریف میں کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم چہرہ اپنا کر لو پورب یا پچھم کی طرف. تو نیکی تو ہے ہی بھائی، اللہ ہی نے کہا کہ اے بھارت کے لوگ تو نماز پڑھو پچھم کی طرف، تو نیکی ہے کہ نہیں؟ ایسے ہی کرشنوں کو کہا تھا کہ ادھر چہرہ کر کے پڑھو، تو نیکی ہے ہی. یہودیوں سے کہا دیا کہ تم پچھم کی طرف کر لو، تو نیکی تو ہے ہی، تو برائی کہاں؟ اللہ ہی نے حکم دیا تھا نماز پڑھنے کا، اور جب نماز پڑھنے لگے تو کریں کہ نیکی نہیں، تو کیا نیکی ہے؟ تیری بات ماننا ہی تو نیکی ہے، تیرے خلاف کرنا برائی ہے. نیکی کیوں نہیں رہی ہے؟ نیکی اس لیے نہیں رہی کہ نماز نماز بھی ہو رہی ہے، اور جدھر اللہ نے فرمایا ادھر ہی نماز ہو رہی تھی، مگر ان لوگوں کا تکبر ہو گیا تھا کہ صرف میری نماز ہے تیری نہیں. ان کو بھی تکبر ہوگا کہ میری نماز ہے تیری نہیں. اس تکبر کے لیے اللہ نے فرمایا کہ تمہارے نیکی نیکی نہیں ہے. پورا پچھم تو لڑائی لڑ رہے ہو تم لوگ کہ پچھم والے کی نماز ہوگی پورب والے کی نہیں، اور سب کی نماز ہوگی. کعبے میں جو لوگ نماز پڑھتے ہیں تو ان کا چار ڈائریکشن نہیں آٹھ ڈائریکشن 16 ڈائریکشن ہو جائے. سیدھے سیدھے اگر ہوگا تو پچھم ہوگا پورب ہو جائے گا، جو کونے کونے پہ رہیں گے سب، سب کی نماز ہو رہی ہے. مگر اگر پورب جو جن کا چہرہ پورب کی طرف ہے، مسلمان جو ابھی ہیں، وہ کہیں کہ جو لوگ پچھم کی طرف چہرہ کرتے ہیں ان کی نماز نہیں ہوگی، تکبر آ گیا نا. رب فرماتا ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر، نیکی یہ ہے کہ تم اللہ کو مانو. اللہ کو مانو گے تو اللہ جو جو آرڈر دے گا صحیح. دیکھیے یہ مسجد ہے نا، مسجد اس کی کمیٹی ہوتی ہے، کہیں بھی کمیٹی یا کوئی ذمہ دار ہوتا ہے، تو جو جو آرڈر دیتا وہ چلتا رہتا ہے. اب یہ پینٹ ہوگا، اب یہ کلر ہے، اب نیا پینٹ ہوگا، کلیکشن کر دے گا بھائی وہ کمیٹی کا، وہ ذمہ دار سیکرٹری ہے، چلے گا. اب تم منع مت کرو، منع کرو، تم کہو گے بلو کرو، کہو گے لال کرو، کہو پیلا کرو، تو ٹینشن ہی ہو جائے گا. سیکرٹری کو پاور دے دو، جس کلر کر دے کرنے دے. اچھا تم سیکرٹری بناؤ تم کر دینا. ایسی جو گھر کا جو مین ذمہ دار گارجین ہے وہ باپ ہوتا ہے. اگر اس کے چار پانچ بیٹے ہیں، دو بیٹے ہیں، جو بھی جتنے بیٹے ہیں بیٹیاں ہیں، سب اپنا مائنڈ مت لگائیں، باپ کو چلنے دو. جب تم بن جانا باپ، تم اپنا آرڈر چلانا. اب باپ زندہ ہے، باپ کو سینڈ کر دیتے ہو، اپنے چلاتے ہیں آرڈر، تو باپ کو تکلیف ہوتی ہے، گھر بنایا ہم نے آرڈر چلا رہی ہے. یہاں اللہ نے فرمایا کہ ولکن البر من آمن باللہ، نیکی ہے کہ تم اللہ کو مانو. اللہ نے جب فرما دیا ہے کہ کعبہ ہمارا سینٹر ہے، جدھر سے تم نماز پڑھو گے کعبہ کی طرف چلا کر کے نماز تمہاری ہو جائے گی، اور یہ میں سمجھو کہ میری نماز ہو رہی ہے ان کی نہیں ہو رہی، ان کی ہو رہی ہے ان کی نہیں ہو رہی، یہ سمجھو گے تمہاری نیکی نیکی نہیں. پہلی چیز اللہ نے فرمایا کہ مجھ کو مانو، مجھ کو مانو، پہلے ہم اس کو سمجھو تم پلیا ملا سے آؤ، تم مجھے مر جاؤ گے تو پھر زندہ کر دیا، مر جاؤ گے تو پھر زندہ کر دیے جاؤ گے. عرب والوں نے کہا کہ مر جائیں گے تو زندہ کیسے ہوں گے بھائی؟ تو آج بھی جو پہلے سسٹم تھا، مر گئے تو جلا دیے گئے، نہیں دفن کر دیے گئے، دو ہی سسٹم ہے. یا جیسے وہ لوگ ہیں جین دھرم کے لوگ، جین جلاتے ہیں نہ دفناتے ہیں، وہ لوگ کہیں رکھ دیتے کھلی جگہ پر. تمہارا تو کہیں بھی دیکھیے، جلا دیا گیا تو آدھے گھنٹے میں خلاص ہو گیا، راکھی نظر آئے گی، اور دفنا دیا گیا تو ایک مہینے میں جب قبر کھلتی ہے تو خالی ہڈی نظر آتی ہے، تب وہ زندہ کیسے ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے ہم زندہ کریں گے، کیسے زندہ کریں گے؟ زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل بلی ربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم. 28 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کافروں نے یہ سمجھا تھا کہ ہرگز ہم اٹھائے نہیں جائیں گے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیے قل بلا ربی، میرے رب کی قسم لتبعثن، تم ضرور ضرور تم کو زندہ کر دیا جائے.
सूरह यासीन शरीफ में है, कहते हैं कि कहते हैं अरब के लोग कि ये हड्डियों को जो हड्डियां सड़ गल गई हैं को जिंदा कर देगा। ये उल्टी सीधी बात बोलते रहते हैं कि मुरादी मर जाएगा, सड़ गल जाएगा फिर जिंदा कर दिया जाएगा। अल्लाह ने फरमाया सूरह यासीन शरीफ में है, इन लोगों को बताइए वही रब जिंदा कर देगा जिसने पहली बार इनको बनाया था। पहली बार बनाना ज़्यादा मुश्किल होता है, दूसरी बार बनाना क्या ये चीज़ है फायदा नहीं है, ये डोरमेट सामने रखा हुआ है, ये हमको बनाने के लिए कहा जाएगा तो हमको बात सीखने नहीं है, हमको देखना पड़ेगा कैसे बनता है। कंपनी में जाएंगे एक बार जब देखेंगे बनते हुए तो हमको लगेगा हाँ यार बना लेंगे। जिसने बनाया इसको आप जला दीजिए दोबारा बना लेंगे, इसलिए उसको बनाने का टेक्निक मालूम हो गया। हमारे लिए मुश्किल है, आपके लिए मुश्किल है, इंसानों के लिए मुश्किल है, डॉक्टरों के लिए मुश्किल है, साइंटिस्ट के लिए मुश्किल है, खुदा के लिए मुश्किल है। उजालिका अल्लाह हसी फरमाता है कि अल्लाह मेरे लिए आसान नहीं है, तुम्हारे लिए मुश्किल हो। तुम सोचोगे आदमी मर जाएगा तो जिंदा कैसे होगा। आदमी है, आदमी के अंदर जान पैदा, जान डाली गई इसमें अंदर, सोल बॉडी के अंदर सोल डाली गई 4 महीने के अंदर माँ के पेट में, तो किसी ने देखा डालते हुए। और जब आदमी हमारे सामने बैठा है, लेटा है, चल रहा फिर रहा है, और उसकी आत्मा निकल गई, आत्मा सोल उसके गायब हो गई, तो देखा जाते हुए देखा किस तरीके से निकाला उसको। उसको निकालने के लिए कैंची इस्तेमाल किया, चाकू इस्तेमाल किया, गोली इस्तेमाल की, कैसे निकाला उसको, चीर फाड़ के निकाला। आत्मा कैसे निकाला, किस टेक्निक से मेरा निकाल रहा है, किसी ने आज तक देखा निकालते हुए? अगर देख ले तो रोक लेंगे, है ना, नहीं जा रहे हैं। बहुत ये अच्छा आदमी है, बहुत ब्रिलियंट है, काम का आदमी, समाज सोशल वर्कर है, इसको मत जाने दो भाई। अगर इनको इंसानों को मालूम हो जाए इसमें से जान निकलती कैसे है, तो ये निकालने का जान, रुको 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 रुको, उसको मरना नहीं दे रहा है। बहुत काम का आदमी, गार्जियन घर का मुरब्बी आदमी, आज तक तो पता ही नहीं चल सका किस टेक्निक से इसके इस जिस्म के अंदर जान आती है और किस टेक्निक से निकल जाती है, कौन निकालने वाला, कौन डालने वाला है, पता ही नहीं चला। हम तो मानते हैं कि अल्लाह सारा काम करता है, मगर आज तक दिखा नहीं। आप मरेंगे तो हम देख नहीं पाएंगे, हम मरेंगे तो हम नहीं देख पाएंगे। आत्मा निकल जा रही है, आत्मा है, निकलती है, तभी काम खलास होगा, ना खलास नहीं होगा। जब तक आत्मा रहेगी लोग दफनाएंगे नहीं, आप नहाने नहीं रहेंगे। तो रब मरने के बाद जिंदा कर देगा तो तुम क्या देख पाओगे? तो खबर के हवाले हैं, हिंदू भाई हमारे हैं तो शमशान घाट पर हैं, कौन जाएगा वहाँ, तुम्हारा कोई जाता है तो खुद में डर रहेगा और जाकर खुद पकड़ लेगा। यहाँ जब आबादी में हो तो देख नहीं पा रहे, तो मरने के बाद जिंदा करेगा, उसके पास टेक्निक कमी है अल्लाह ताला के पास। और फरमाता है नेकी ये है कि अल्लाह को मानो, जब अल्लाह को मान लोगे तो सारा उसका ऑर्डर मानना आसान होता है। अब रमजान शरीफ आ रहा है, रमजान शरीफ में रोजा रखना है, क्यों भूखे रहेंगे, खाना पानी क्यों बंद कर देंगे, क्यों जिस्म को गलाएंगे, सड़ाएंगे गलाएंगे, कुछ मिलने को है, और नहीं रखें तो कोई क्या कर लेगा हमारा, हमारी मर्जी है, हम रखें चाहते रखें, हम खाए पिएंगे, मस्ती का ऐश काटेंगे। फरमाता है कि देखो शराफत से नहीं मानोगे ना तो फिर हम टेढ़े से भी कर लेते हैं, बीमारी देंगे, खाना पानी बंद कर देंगे, बॉडी घटा देंगे, 90 किलो के तो 80 किलो कर देंगे। कहता है कि तुमको डर लग रहा है मेरे नाम पर भूखे रहने, तुम समझते हो कि हम खाएंगे तो वो तगड़े हो जाएंगे, नहीं खाएंगे हम मेरे नाम पर तुम कमज़ोर हो जाओगे। कमज़ोर करने का तरीका हमारा बंद हो सारा है, ठीक है। तो रमज़ान शरीफ आ रहा है, अब बहाना ऐसा करो ढूंढो कि जो वाकई अल्लाह मान रहे हैं, इंसानों को बनाने के लिए नहीं, बिना नहीं रखेंगे तो क्या कर लोगे। हमारे पास खाने की कमी है क्या, गरीबी है, जो रोजा रखें हम तो रोजा रखें, अल्लाह ताला ने दिया है वही कहता है भूखे रहे। अब खाया ना 11 महीना, एक महीना भूखे रहो, रात में खाना बोर्ड में खाना कर खाओ फिर ये, और दिन में क्लोज कर दे महीने के लिए। तब तुम्हारे हदीस शरीफ में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सोमो तो सही हो, रोजा रखोगे तो सेहतमंद रहो। आदमी कहता है नहीं रोजा रखोगे तो बिल्कुल टेढ़े मेले हो जाओ। तो एक मिला सऊदी में सूडान का बहुत मोटा तगड़ा ड्राइवर था बस का, तो एक होटल पर रुके, सब लोग चले गए होटल में खाने के लिए, वो नहीं उतना क्या भाई ड्राइवर साहब ताल चलिए खाना ऐसा है रोज़ा रोज़ा कुल्ले यौम इस्नैन कुल्ले यौम अल-ख़मीस कुल्ले अपने हर जुमरात को और हर सोमवार को मैं रोज़ा रखता हूँ। अब मोटा तगड़ा था माशाल्लाह, देखिए इसका घट ही नहीं रहा है कि हर सोमवार को, साल में हर सोमवार
हर मंडे हर थर्सडे को रोजा रखता है, वो घट नहीं रहा है, आपको डर लग रहा है घट जाएगा रमजान, तुमको रम घट नहीं देगा, तुम पहले रोजा रख के तो देखो। और अल्लाह का इतना बड़ा फजल होता है, कभी नहीं सुना वो रोजा रख के मर गया, भरपेट खा के मरने वाले बहुत मिलेंगे, आप भरपेट खा खा के मर जा रहे हैं, रोजा रखे कोई नहीं मिलेगा आज तक, तो रोजा कोई मर गया ऐसे मर जाओ। और डॉक्टरों के इस वक्त के डॉक्टरों की तहकीक हो चुकी है, जो लोग 28 दिन लगातार रोजा रखेंगे तो कभी कैंसर नहीं होगा, कैंसर हो भी गया हो तो भी लग जाएगा। ये मेडिकल जो अभी इस वक्त के मेडिकल साइंस वाले सर्च कर रहे हैं, इसे सर्च रिसर्च कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, उसमें नुकसान है इंसान का, देखने में नुकसान लग रहा है। आगे फरमाता हुआ आतर माल आला हुक्म जरूर खूबा, अल्लाह की मोहब्बत में जकात दो, माल दो अपना रिश्तेदारों को, अल्लाह ताला फरमात कमाते तुम अपने लिए मगर दो रिश्तेदारों को, अपने रिश्तेदारों को दो, मुझको मत दो मगर मेरी मोहब्बत में दे देना, तुम मरने में तुमको सवाब देना, अपने जो तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हारे माँ बाप रिश्तेदार हैं, तुम्हारे भाई बहन हैं, तुम्हारे बहने भांजे भांजियाँ हैं, ठीक है, अगर यतीम लाचार हो गए हैं काम नहीं करते हैं, तुम्हारे बाप को काम नहीं करता हो तो बाप को दो, तो बाप को नहीं दे रहा है मदरसे में दे रहा है, एक लाख का बिल्डिंग बना रहा है, 2 लाख का बिल्डिंग बना रहा है, गरीबों की मदद कर रहा है, ठीक है बहुत नेकी है वाकई, मगर माँ बाप को छोड़ करके माँ बाप को पैसे नहीं देते हैं यहाँ, और कहीं और लाखों लाख दिए चले जा रहे हैं, किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं, समाज को बेवकूफ़ बना रहे हैं, अल्लाह को बेवकूफ़ बना रहे हैं, अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हैं, तो मरने के बाद जीरो पर चला जाएगा, पहले माँ बाप को दो, माँ बाप तुम्हारे गरीब हैं, नहीं भी हैं तो तुम कमाते हो तो उसका 10% कम से कम दो माँ बाप, गरीब हो चाहे ना हो पेंशनर हो चाहे कुछ भी हो, माँ बाप ने तुम पर खर्च किया है पहले एहसान किया है, उस एहसान का बदला क्या है तुम बताओ। बारह जो आपके रिश्तेदार रिलेटिव्स हैं तो रिलेटिव्स को पहले दीजिए, यानी खाली दावत खाने चले जा रहे हैं, दावत आ रही पहुँच जा रहे हैं, बिरयानी की दावत है, पुलाव की दावत है, इसकी दावत है, खाया जाएगा बेचारा गरीब मर रहा है तो कुछ कुछ ही नहीं, तो ज़कात निकाल तो कहीं और दे देते हो, फितरा निकाल तो कहीं और देते हो, उसना कहीं और तकसीम कर देते हो, ऐसे दान करना हो तो कहीं और दे देते हो, तब रिश्तेदार रिश्तेदार याद नहीं आते, और जब दावत दे दिया तो बहुत पहुँच गए खाने के लिए, ये रिश्तेदारी नहीं है, रिश्तेदार वही है जो दुख में साथ दे, जैसे सुख में नहीं दुख में साथ दे, तो रब फरमाता हुआ आतल माला खूब बेजुल कुर्बा, अब रमजान के महीने में अगर 1 रुपया देंगे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो 70 रुपये देने के बराबर हो जाएगा, रमजान शरीफ के महीने में अगर हम 2 रकात नमाज पढ़ेंगे तो फर्ज नमाज अगर पढ़ेंगे तो 70 फर्ज के बराबर सवाब मिलेगा, तो 2 रकात पढ़ेंगे तो समझ लीजिए कितना होगा सवाब हो गया, 70 में 140, एक आयत पढ़ देते हैं यार रमजान शरीफ में, एक तलावत कर देते हैं यार जो आपको वजीफा याद है अल्लाह अल्लाह करके किए, एक बार अल्लाह कहेंगे तो कितनी नेकियाँ अल्लाह ही जाने, फिर 70 मल्टीप्लाई कर लीजिए उतनी नेकियाँ मिलेगी आपको रमजान शरीफ में, तो रमजान शरीफ में नमाज पढ़ना जिसको आता हो तो आता है, नहीं आता हो तब भी मस्जिद आए, जैसे इमाम साहब पढ़ रहे हैं उनके साथ करो रुकू सजदा करो तो नेकी पढ़ती चली जाएगी। तो ये बहुत दो दो एक दो रोज के बाद इंशाल्लाह रमजान शरीफ कल से भी हो सकता है, नहीं तो परसों तो कन्फर्म हो ही जाएगा, इसमें हम खुद भी नमाज का अहतमाम करें, अपनी औरतों से भी नमाज पढ़ने के लिए कहें और अपने बच्चों से जो आपके बच्चे हैं उनको एक दो कम से कम मस्जिद भी लेकर आए, खुदा का घर है आला हज़रत अजीमुल बरकत इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेली अली रहमा इरशाद फरमाते हैं फतवा रज़विया में कि मस्जिद जाने की 35-36 नियतें फरमाई हैं, सबसे पहली नियत ये कि मस्जिद में जाओ नमाज के लिए तो पहले ये नियत कर लो कि हम जा रहे हैं अल्लाह के घर की ज़ियारत करने, पहली पहले लिखा है पहले ये नियत करो कि मैं जा रहा हूँ खुदा के घर की ज़ियारत करूँगा, और ये बोलिएगा क्या ये खुद एक सवाल है अल्लाह के घर देखूंगा ये मेरे रब के नाम पे बनाया हुआ घर है, तो रंगो रूप देखो सब कुछ देखो माल्ला माशाल्लाह और हर चीज़ें हासिल हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल झोपड़ी झोपड़ी पट्टी है, तो खूबसूरत मकान भी है इमारत के लिहाज से भी, और मेरे रब का घर ये नस्बत सबसे ज़्यादा हासिल है, रब का मेरे रब का ये घर है ये सबसे ज़्यादा नस्बत ही खुद हासिल है, जब भी ये घर से निकले तो मैं जा रहा हूँ अल्लाह के घर से ज़्यारत करूँगा, देखूँगा मेरे रब के घर को, मेरे रब का घर कैसा है, आप अपने रिश्तेदारों के घर पर देख के चौंक जाते हैं कि देखिए मेरे रिश्तेदार का घर है, मेरे फुफा का घर है, मेरे मामू का घर है, मेरे नाना का घर है, मेरे दोस्त का घर है, कितनी इज्जत एहतराम से देखते हैं आप, उससे ज़्यादा इज्जत से मेरे घर को देखिए कि मेरे रब का घर है, तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है वा अल्लाह अला हुब्बि ज़िल क़ुरबा,
रिश्तेदारों को कम से कम अपना माल कमाओ अपने ही लिए, मगर अल्लाह की मोहब्बत में उस माल को दो, और रिश्तेदारों को पहले रिश्तेदारों को दो, उसके बाद अल्लाह ने यतीमों को, मिस्कीनों को, मुसाफिरों को, सब सेकंड थर्ड फोर्थ है, मगर सबसे पहले रिश्तेदारों को। रिश्तेदारों में सबसे ज़्यादा करीब आपके माँ बाप, इस ज़माने में, उस ज़माने में, इस ज़माने दोनों ज़माना एक ही है, ज़माने में भी यही हालत थी कि माँ बाप को लोग भूल गए थे, इसलिए बार बार कुरान की आयतें नाजिल हुई। कुरान में कई जगह की नाजिल, माँ बाप बोलो, माँ बाप बोलो। दूसरे पारे के एक और आयत, ये सलूल का मामला है उनको, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे लोग पूछते हैं कि क्या खर्च करें, तो अल्लाह ताला ने शायद फरमाया कुल मा अनफक्तु मिन खैरिन फलिल वालिदैन, जो कुछ तुमको खर्च करना खर्च करो मगर पहले माँ बाप को, ये अल्लाह ने फरमाया कुल मा अनफक्तु मिन खैरिन, जो कुछ तुम खर्च, आप फरमा दीजिए लोगों से जो कुछ तुमको खर्च करना खर्च होगा उससे मतलब नहीं, मगर फलिल वालिदैन पहले माँ बाप को दो। तो माँ बाप को छोड़ करके तुम कहते हो कौन सी नेकी करें, खजूर दें कि आम दें कि जामुन दें कि गेहूँ दें बाजरा दें, क्यों अल्लाह, क्या अल्लाह के राह में सदका कर दें हम, अल्लाह के राह पहले माँ बाप को, ये अल्लाह के राह वही है, अल्लाह के राह माँ बाप ही हैं, माँ बाप को छोड़ कर समझो उधर अल्लाह के राह। माँ बाप भरपेट खा लिया तो पूरा इंतजाम हो गया तबाह दौड़ लिया, नहीं घर पर अगर छोड़ दिया आपने, हाँ देखिए हो सकता है कि आपने अपने माँ बाप को मुकम्मल केयर कर लिया है, अल्लाह ने पैसा आपको और दिए हैं, तो मोहल्ले में कुछ ऐसे बदमाश किस्म होते हैं, लड़के ड्रिंकर होते हैं, दारू पीते हैं, सब कमाते हैं पैसा पिघला दिया, तो उनके माँ बाप अगर ला चाह रहे तो उनके माँ बाप को भी दीजिए, ठीक है, उनकी तो गलती नहीं है ना, तो बैठे की बैठा हुआ कमा कर दे नहीं रहा, क्या कर सकते हैं, जब बूढ़ा बूढ़ी है अल्लाह ने, अगर आपके जो पड़ोसी है मोहल्ले में उसका ख्याल कीजिए, अपने गाँव को छोड़ करके दूसरे गाँव में चले जा रहे हैं, अपना शहर छोड़ कर दूसरे शहर में चले जा रहे हैं, ठीक है, कलकत्ता से इधर आ रहे हैं यहाँ कलकत्ता पहुँच जा रहे हैं, तो ये भी ज़्यादा अच्छा नहीं है, पड़ोसी का भी एक हक है, ठीक है, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम लोग को अमल करने का तौफीक अता फरमाए, सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम, इन्ना सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लम। محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله رضوانا إنهم في وجوههم من أثر سجودهم من أثر سجودهم من أثر